subscribe and press the bell icon for more updates. यार बहुत खुशी हो रही है, मुझे लगता है कि काला घोड़ा फेस्टिवल इज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ मुंबई। यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, और ये जो शहर की एक यूनिक कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, जिस तरह से जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये डेविड सैसून लाइब्रेरी, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी बड़ी लेगेसी है 150 साल पुरानी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो जब हम अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादें देखते हैं, अपने पुराने बचपन के फ़ोटोज़ देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मुंबई के बचपन की फ़ोटोज़ हैं, ये लिविंग मेमोरीज़ हैं। हाँ, साउथ मुंबई हम बड़ा आया करते थे, ये एरिया में बड़ा आया करते थे। मेरे फादर मेरे मदर दोनों एविड रीडर्स हैं, और उससे ज़्यादा दोनों को कल्चर और हिस्ट्री बहुत सुंदर लगती है। पुरानी ये जो साउथ मुंबई की बिल्डिंग्स, उस ज़माने में संडे के दिन बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी, तो हम सुबह आया करते थे यहाँ पे, कबूतरों को दाना देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया जाया करते थे, आसपास की यहाँ खूबसूरत जगहों में वॉक किया करते थे। उस ज़माने में वॉकिंग भी हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं काफ़ी छोटा था, शायद 5-6 साल का हुआ होगा, और मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पे एक पारसी जेंटलमैन थे जिनकी एक बहुत खूबसूरत सी कैफ़े हुआ करती थी वे साइड इन, है ना, याद है आपको? तो वो वे साइड इन में हम जाके बैठा करते थे मॉम डैड के साथ में, हम कुछ खाते थे, एंजॉय करते थे, और फिर वापस हमारे तरफ, उस तरफ जुहू चले जाते थे। तो वो यादें अभी भी ताज़ा हैं।